नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों मोबीविकी को आरोग्य सेतु ऐप की वजह से प्ले स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया, और अब उसका क्या स्टेटस है, वो वापस आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कब तक आएगा, और आ गया है तो आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी कि मोबीविकी को, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको प्ले स्टोर की से डिलीट करना पड़ा था गूगल को। तो इस वीडियो में बने रहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल ने ये कहा है कि मोबीविकी को प्ले स्टोर से रिमूव करने का कारण था एड पॉलिसी का उल्लंघन करना। गूगल के हिसाब से आप अपने प्लेटफॉर्म पे किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन करके किसी भी प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, उनको ही यूज़ करके आप उस किसी भी उसका ही नहीं किसी भी एड किसी भी ऐप का प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके। तो मोबीविकी के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन करके आरोग्य सेतु ऐप का लिंक अपने मोबीविकी के ऐप में डाला था, और इस वजह से उसको बैन कर दिया गया था, उसका ऐप को डिलीट कर दिया गया था। तो आगे उस पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि मोबीविकी और बाकी जितने भी फिनटेक फर्म हैं उन सबको आरबीआई ने ये कहा था कि आप आरोग्य सेतु ऐप का प्रमोशन करें अपने प्लेटफॉर्म पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इनक्रेज कर पाओ। क्योंकि अपने आपके प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आते हैं वो लोग अगर उस चीज़ को देखेंगे कि ये ज़रूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे। क्योंकि अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को इंडिया में 10 करोड़ बार डाउनलोड कर लिया गया है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि मोबीविकी को ही क्यों डिलीट किया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आरोग्य सेतु ऐप का लिंक अपने ऐप में डाले हुए हैं और प्रमोट कर रहे हैं, जैसे पेटीएम भी है, वो भी प्रमोट कर रहा है, लेकिन मोबीविकी को क्यों डिलीट किया गया ये मुझे खैर अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि पेटीएम ने अपने एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन्स में इस ऐप को प्रमोट किया है, तो आखिरकार सिर्फ इसको ही क्यों हटाया गया ये चीज़ समझ नहीं आई। तो बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, मैं उनकी अनुवाद करके बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि ऐप को अब हटा दिया गया है क्योंकि हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप का लिंक था। उन्होंने हमें एक हफ्ते पहले भी ये चेतावनी दी थी, लेकिन हमें समझ नहीं आया था कि उनका कहने का क्या मतलब है। फिर आज उन्होंने सबसे पहले इस ऐप को हटा दिया, ये दोपहर 3 बजे, मतलब कल की बात है, 28 मई दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ था। और उनकी टीम को जब गूगल की टीम को जब इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि आरोग्य सेतु ऐप का लिंक होने की वजह से उनको उनके मोबीविकी ऐप को प्ले स्टोर से डिलीट किया गया है। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि हमने आरोग्य सेतु ऐप के लिंक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया, फिर उसके बाद हमने फिर से सबमिट किया है, अब जाके उनका एक्सेप्ट हो गया है, अब आप मोबीविकी को आप फिर से लेटेस्ट वर्जन के साथ प्ले स्टोर पर पा जाएंगे। तो बस समझने वाली बात ये थी कि बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब आरोग्य सेतु ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसे ही क्यों डिलीट किया गया ये कह के कि आपने ऐड पॉलिसी का उल्लंघन किया है। इसके लिए हमें इनकी जो ऐड पॉलिसी है उसके अंदर घुसना पड़ेगा, पूरे अच्छे से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि एक लिंक रखने की वजह से, मुझे नहीं लगता कि बिना लिंक के आप किसी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर पाओगे, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे तरीके से किया गया हो, क्योंकि पेटीएम भी कर रहा है, तो हो सकता है कोई भी कारण रहा हो। अब इसके बारे में तो मोबीविकी को ज़्यादा पता होगा और गूगल को पता होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई होगी उन दोनों को ही ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आप सभी को मिलती रहें। और ऐसे ही वीडियोज़ में लगातार आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चैनल में बने रहने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद।